थोड़ा सा जज साहब से भी पूछेंगे हम ये, तो मैं अभी स्पेशल जज का भी एक्सप्लेनेशन मंगाऊंगा कि ये ऐसे ही हो रहा है साहब ट्रायल कोर्ट में। ही हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द प्रोसीडिंग्स। बाबू लिखता है क्या ये? हाँ साहब, 90% पूरे मध्य प्रदेश में जो मजिस्ट्रेट साहब, एडीजे और मजिस्ट्रेट साहब की तरफ, वो बाबू लिखता है। ये क्या कंट्रोल है इनका प्रोसीडिंग पर? जब तक ये बाबू लोग कोर्ट चलाते रहेंगे और न्यायाधीश लोग आराम करते रहेंगे, तब तक यही होने वाला है। और हम जेल में रहे आएंगे। लेट एन इंक्वायरी बी कंडक्टेड इट इज एट जबल। एस्केलेशन मांगा था आपने, पेश किया है। अभी जो 6/1/2023 को गवाही है उसका नोटिस तामिल हुआ है, पर एक साल से गवाह जो आ रहे हैं वो नहीं आए, उसका नहीं दिया एक्सप्रेशन। अब मैं कोर्ट के ऑर्डर शीट बता रहा हूं। बताइए, मैं बता दूं सर? हाँ हाँ पहले आप बताइए। माय लॉर्ड है डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जबलपुर माय लॉर्ड जी कि लास्ट 3 पेशी से जी समन जारी हो रहे हैं, अरेस्ट अवेलेबल वारंट भी, आपके द्वारा क्या कार्रवाई जी साहब? इसमें जो हियर से विटनेस है ब्रदर ऑफ डिसीज माय लॉर्ड, हमें हियर से और उससे मतलब नहीं जी साहब। विटनेस है वो क्या है वो तो ट्रायल कोर्ट के सामने डिसाइड होगा कि वो हियर से है actual... उसका हो गया है, मैं उसका हो गया है। नहीं नहीं हम तो ये पूछ रहे हैं जिसके बारे में हमने लिखा था कि इसके ऊपर तामील नहीं हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपके एसपी साहब का? वो तो इन्होंने पिछली बार बता दिया था कि वो झारिया साहब के ऊपर जो है वो ऑलरेडी उनका एग्जामिनेशन हो गया। बाकी विटनेस का क्या हुआ, क्या कहा आपके एसपी साहब ने? कहा है एफिडेविट फाइल किया है क्या इसमें? जी साहब कल फाइल किया। वो फैक्ट्स नहीं है जो आप बोल रहे हैं। क्या लिखा है बताइए उसमें, पढ़िए उसको, हमारे पास तो कॉपी भी नहीं आई। कल कितने बजे फाइल किया? शाम को 5:30 बजे? नहीं सर, 3:30-4 बजे हमने रिसीव किया है ऑर्डर। क्या लिखा है? क्या कहा आपके एसपी साहब ने? कहा है एफिडेविट फाइल किया है क्या इसमें? जी साहब कल फाइल किया। वो फैक्ट्स नहीं है जो आप बोल रहे हैं। क्या लिखा है बताइए उसमें, पढ़िए उसको, हमारे पास तो कॉपी भी नहीं आई। कल कितने बजे फाइल किया? दोनों तो बताया कि शिवम की तो पहले शिवम न्यायालय के आदेश पत्रिका के ठीक विपरीत इनका जवाब है। वही तो पूछ रहा, जरा एक सेकंड चाहिए। तो शिवम की रोहित जारिया है भी नहीं। हाँ रोहित की कब हो गई थी? 8/9 को हो गई। 8/9 को, फिर ये कैसे लिख रहे हैं? रोहित कोई और भी गवाह है? रोहित चक्रवर्ती। इनको पहली बार सम्मन 21/11 को जारी हुए हैं क्या? नहीं, उसके पहले कभी सम्मन जारी नहीं हुए? मैंने सारी ऑर्डर शीट पेश की है। एक मिनट इनको पहले बोलने दीजिए, फिर आपको सुनेंगे प्लीज। अनुज अनुज माय लॉर्ड अनुज राजपूत जिसका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है 21/11/22 को, उसके पहले इन लोगों का सम्मन नहीं जारी। इनका इन लोगों का सम्मन किसी का जारी नहीं हुआ ये एज पर ऑर्डर शीट माय लॉर्ड। ऑर्डर शीट की डेट बताइए। 8/9/22 इसको पूरा पढ़ते हैं फिर आगे आते हैं। सब 15/12/21 की देख लें ऑर्डर शीट। 15/11/21 15/12/21 मैंने अलग से कवरिंग मेमो के साथ पेश की है, पेश किया है। वो है 15/12/21। 13/1/22 हेतु मोहित झारिया, माहेद खान, शिवम यादव को सम्मन जारी हो। हाँ, जारी। 13/14/1 के लिए अनुज राजपूत, रोहित चक्रवर्ती, वैभव पटेल को सम्मन जारी हो। 13/1 को कोई 13/1 की ऑर्डरशीट पढ़ लें साहब। शासन नहीं नहीं हम इनसे पूछ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जज साहब से भी पूछेंगे हम ये। 14/1/2022 को कौन सा संक्रमण था? जो सेकेंड वेव थी वो जो है जून 2021 में खत्म हो चुकी थी। ये कहां से दिख रहे हैं जज साहब? ये COVID-19 के संक्रमण के कारण माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जारी प्रपत्र के अनुपालन में प्रकरण नियत दिनांक को पेश हो। क्या प्रपत्र है, थोड़ा मंगवाते हैं इसको हम, क्या जारी किया है? एंड वेयर वॉज द कॉज फॉर, कौन सी वेव चल रही थी? कोई नई वेव लेकर आए थे क्या ये? हमने तो इस हाईकोर्ट में काम किया है इस तारीख को। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस हाईकोर्ट ऑन 8/1/2020। मैं आपके सामने अपियर हुआ हूँ। अरे मुझे मालूम है, मैंने 21 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया है। सॉरी 21 अक्टूबर 2021 को मैंने ज्वाइन किया है आपके हाईकोर्ट में।
ये कोविड की कौन सी लहर आ गई थी ये, और ये डीजे का कौन सा प्रधान जिला न्यायाधीश का कौन सा वो है, ये बीमार था इसका, उसको जेल में तो अच्छी सुविधा दी जाए। अच्छा चलिए, पर केस 22-2 के लिए था गवाही 13-2। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री ऋतुराज कुमरे, डीपीओ उपस्थित, अभियुक्त गण जेल से पेश नहीं, वारंट प्राप्त, प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है, साक्षी रोहित को जारी सम्मन्स तामील शुदा वापस प्राप्त, किंतु साक्षी उपस्थित नहीं। ये तो यहाँ रोहित को तो इन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, और आगे सर और बात, एक मिनट रुकिए, तो साक्षी उपस्थित नहीं, साक्षी रोहित को सम्मन्स बात तामीली प्राप्त, साक्षी उपस्थित नहीं, उसे जमानती वारंट जारी हो, ₹500 का जमानती वारंट। नहीं नहीं भाई, 13-1 वापस चलिए, 13-1 को, 13-1 को जब उसको जमानती वारंट हो गया, तो फिर यहाँ पर 22-2 को सम्मन्स की बात कहाँ से आ गई? ऐसे ही हो रहा है साहब ट्रायल कोर्ट में, आई एम तो मैं 50% वकालत वही ट्रायल कोर्ट में करता हूँ, सेशन ट्रायल। ठीक है, अच्छी बात है, आपके अनुभव का लाभ मिले, लेकिन नीचे जारी हुआ है साहब इसमें ऑर्डर सीट, और अभी नहीं, नहीं, मैं नहीं, तो नहीं, अभी ये पूरे एक साल का बताता हूँ साहब, ₹500 का जमानती वारंट जारी हो, जमानती वारंट तो पहले ही जारी था, यहाँ सम्मन्स तामील सम्मन्स की बात कहाँ से आ गई 22-2 को, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, व्हेन जमानती वारंट वाज ऑलरेडी इशूड ऑन 13-1-2022, या तो हम 13-1-2022 की ऑर्डर शीट गलत पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें नीचे लिखा भी राइट में साहब देखेंगे, जारी भी हुआ है 17 जनवरी को, जारी हुआ है, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रक्रिया समझाइए, ये आगे तो आप ही बताएंगे ना कि जब एक बार जमानती वारंट जारी हो गया, उसके बाद फिर सम्मन्स कैसे जाएंगे? स्टेज तो जो समझते हैं वो यही है, पहले सम्मन्स फिर जमानती वारंट फिर गैर जमानती वारंट, यहाँ तो गैर जमानती वारंट के बाद सम्मन्स जारी हो गया, इंडिया शीट में बताऊंगा आपको। हाँ बताइएगा जरा, देखेंगे इसको, ये जारी जो हुआ 17-1-22 को, मैं इसको वेरीफाई कर लूं साहब कि क्या जारी हुआ था। अच्छा चलिए, उसके आगे पढ़ते हैं, 22-2-2022 को रोहित को जारी ₹500 का जमा, शेष साक्षीगणों को जारी सम्मन्स तामील अदम तामील प्राप्त वापस प्राप्त नहीं, तो इस तीन को अभियुक्त गण जेल से पेश नहीं, वारंट प्राप्त, प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है, साक्षी रोहित भाटिया को जारी जमानती वारंट तामील पश्चात प्राप्त है, परंतु साक्षी उपस्थित नहीं, तो साक्षी को रोहित भाटिया को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाए, आवेदन है जमानत का आवेदन पत्र वहां कोर्ट, हाँ वो ठीक है, उसको छोड़िए उस समय, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद योर जमानत। 27-4 हाँ, साक्षी शिवम यादव का जमानती वारंट बाद तामील प्राप्त, साक्षी उपस्थित नहीं, अतः उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाए। 27 तारीख के लिए तो इन्होंने जो है रोहित का भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उसके बारे में क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं लिखा उसमें, क्या कर रहे हैं ये? He has absolutely no control over the proceedings. बाबू लिखता है क्या ये? हाँ साहब, 90% पूरे मध्य प्रदेश में जो मजिस्ट्रेट साहब एडीजे और मजिस्ट्रेट साहब की तरफ, वो बाबू लिखता है, ये क्या कंट्रोल है इनका प्रोसीडिंग पर? नेक्स्ट स्टेप में आया, हाँ क्या है, 28-4 को, 28-4 कोई उपस्थित नहीं, साक्षी रोहित झारिया कहाँ पढ़ रहे हैं, साहिल खान 28-4 28-4 को अभियोजन साक्षी अनुपस्थित, साक्षी रोहित, साक्षी रोहित झारिया, मोहित खान शिवम एवं मनोज राजपूत को सम्मन्स जारी कैसे होंगे? ऐसा ही ना साहब, ये थोड़ा समझाए ना, ये अनुज को जमानती वारंट हो गया, रोहित चक्रवर्ती को जमानती हो गया, तो इनके बाद उसमें सम्मन्स कैसे जारी होंगे, लिखिएगा। चलिए, कंट्रोल है साहब, चाहे तो सुधार सकते हैं, वो तो हम तो सुधार ही देंगे, अभी तो इसमें साक्षी को जारी सम्मन्स तामील अदम तामील, ये क्या हो रहा है, ये क्या लिख रहे हैं ये? अब आपके एसपी साहब से चलते हैं, और उन्होंने बिगर ऑर्डर शीट देके अपने सीएसपी टीआई को बिलीव कर लिया, इश्यूएंस ऑफ सम्मन्स टू विटनेस नेमली शिवम इतना इतना अगेंस्ट विटनेस अनुज राजपूत, द गिरफ्तारी वारंट वाज इशूड फॉलोड बाय अनदर विटनेस मोहित खान, अ जमानती वारंट वाज इशूड, the present matter is now fixed itna that as on the date the summons for Shivam Yadav itna and have already been received from the trial court, it submitted that the aforesaid summons have been served upon them on 27-11. to trial court ki puri galti hai isme, to kaise kar raha hai wo, likhiyega, there will be a also explanation call is there in a page number, theek hai, ab aapki baat to khatam ho gayi, abhi to trial court ko samajhne dijiye, likhiyega।
let an inquiry be conducted against the special judge SCST prevention of atrocities at Jabalpur in as much as it appears. नहीं ऐसा लिखिए, उलट दीजिए, ऐसा लिखिए, श्री पीलेंट्स, श्री मानस गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, श्री शिवम दुबे, नितिन दुबे 27/5, बट द ऑर्डर शीट बियर्स हिज सील फुल स्टॉप. दो ऑन 23/5 इट इज मेंशनड फॉर, बट ऑन 26/5 एंड 27/5 इवन वर्ड फॉर आर मिसिंग फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैरा, ऑन केस वॉज फिक्स्ड ऑन 5/7 एंड 6/7. इफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर वॉज ऑन लीव देन हाउ हिज सील वॉज अफिक्स्ड एंड सिग्नेचर्स वर मेड इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी.